मिश्रा जी को बेल हो जाता, लालू जी को जेल हो जाता, क्यों भाई? टाइटल में यादव लगा हुआ इसलिए, और उनके टाइटल में मिश्रा लगा हुआ इस वजह से उनको बेल मिल गया। अगर लालू जी के नाम में मिश्रा लगा होता ना, तो लालू जी आज भगवान होते बता देते हैं। लालू यादव अगर मिश्रा होते तो होते हर लोग पूजा कर रहे होते, क्योंकि लालू जी के नाम के आगे टाइटल में यादव लग गया, इस वजह से उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लालू जी तो किसी सामंतवादी सोच के आगे तो झुके नहीं ना, बताया ना उन्होंने रैली में, कहा था ना कि जो परिवारवाद का आरोप लगाते हो, तुम्हारा परिवार क्यों नहीं है? लालू जी के ऊपर डीए केस हुआ था, आय से ज्यादा संपत्ति का केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट उस केस को जीता उन्होंने। अगर चारा घोटाला अगर उन्होंने किया होता तो डीए के से बरी नहीं हुए होते सुप्रीम कोर्ट से। वो लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मंत्री बने थे, उन्होंने 90,000 करोड़ को मुनाफा देने का काम किया। लालू प्रसाद यादव उस व्यक्ति का लालू प्रसाद यादव है। स्मृति ईरानी को बिहार के लोगों से माफी मांगनी पड़ेगी। लालू यादव को फिर से एक बार चारा चोर बोला गया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भरे सभा में भरे मन से कहा कि लालू यादव चारा चोर। लालू यादव ने कहा था कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। इसी का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी कहती है कि चारा चोर सुन लो, हम हैं मोदी का परिवार। तो इसके बाद जो है लगातार सियासत तेज हो चुकी है, तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, मतलब उनसे ही जानेंगे। ये जो चारा चोर शब्द हर बार आता है, एक तरफ से कहा जाता है कि लालू यादव चारा चोर नहीं है, कोई लोग कहते हैं कि चारा चोर है, आपको क्या लगता है? देखिए, इस देश के अंदर आप देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण को माखन चोर कहा गया था। आप देखिए उत्तर प्रदेश चले जाए, अखिलेश प्रसाद यादव को टोटी चोर कहा गया है, और बिहार में हमारे लालू प्रसाद यादव को चारा चोर कहा गया है। ये चोर कहने वाले व्यक्ति कौन है? ये कौन लोग है जो कह रहा है ये बात? पर सजा भी हुई है ना, चारा चोरी के मामले में सजा भी तो हुई है। बिहार के लोगों को ये बात तय करना पड़ेगा। दो कल ही एक फैसला आया है दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर जीएन साई बाबा का, उसको पिछले 9 साल तक जेल में बंद रखा गया, उस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट से बरी किया गया है। लालू प्रसाद यादव को लोअर कोर्ट से सजा मिली है, कल जाकर इनको भी बरी किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट से। तो क्या ये स्मृति ईरानी और नरेंद्र मोदी जाकर माफ़ी मांगेंगे इस बात के लिए, चारा चोर कहने के लिए? क्या जो व्यक्ति जिसको बिहार ने पूछता है, जो बिहार के लोगों ने फॉलो करता है जिस व्यक्ति को, उस व्यक्ति को अब गाली दे रहे, उस व्यक्ति को गाली नहीं, ये पूरे बिहार के लोगों का सबसे बड़ा अपमान है। और आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, इस अपमान का बदला लिया जाएगा। कहना चाहते हैं कि जो लालू यादव है वो बाइज्जत बड़ी होंगे इस केस से? मैं कह रहा हूँ कि जब चारा चोर की जो बात का है, चारा स्कैम कब हुआ था, फ्रॉड स्कैम कब से चल रहा है? 1985 से चल रहा है। जब ये मिश्रा जी को बेल हो जाता, लालू जी को जेल हो जाता, क्यों भाई? टाइटल में यादव लगा हुआ इसलिए, और उनके टाइटल में मिश्रा लगा हुआ इस वजह से उनको बेल मिल गया। यहाँ भी जाती बात, जगन्नाथ मिश्रा जी को कैसे मिला बताइए, जब 85 से चल रहा है। लालू जी चारा चोर नहीं कहा जाता, नहीं लालू यादव को ही चारा चोर क्यों कहा जाता है, ये बड़ा सवाल है ना। लालू जी तो 90 में मुख्यमंत्री बने, 90 के पहले मुख्यमंत्री कौन थे बताइए मुझे? कोई व्यक्ति तो होगा ना, क्यों उसको जेल बबरी कर दिया गया बताइए मुझे, जगन्नाथ मिश्रा जी को? इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा, इस देश के लोगों को सुनिश्चित करना पड़ेगा। वो लालू प्रसाद यादव जिसने इस देश से गरीबों के लिए, जिसने चरवाहा विद्यालय का स्थापना किया था, वो चरवाहा विद्यालय जिस देश से गरीब आम व्यक्ति जो पढ़ सके, उस व्यक्ति को चरवाहा विद्यालय खोलकर मजाक बनाया गया, जिसको पढ़ने का अधिकार नहीं थी, उस व्यक्ति को अधिकार देने का काम अगर किसी व्यक्ति ने किया, लालू प्रसाद यादव है उस व्यक्ति का नाम, उस व्यक्ति को आप चारा चोर कहते हो? वो चारा चोर कहते हो जिसने इस देश के बिहार के लोगों के अंदर स्वाभिमान जगाया है? वो व्यक्ति जिसने कहा था कि लालू जी को लोगों ने कहा कि लालू जी ने क्या किया कि लालू जी ने बिहार को स्वर्ग बना दिया? लालू प्रसाद यादव ने कहा उनसे, लालू जी ने स्वर्ग तो नहीं बनाया लेकिन लोगों स्वर्ग जरूर दिया है? इस बात को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। इस देश के अंदर जिस तरीके से लालू जी को बार बार बदनाम करने की साजिश चल रही है, उस साजिश को बेनकाब किया जाएगा। वो लालू प्रसाद यादव जब रेलवे मंत्री बने थे, उन्होंने 90,000 करोड़ को मुनाफा देने का काम किया। लालू प्रसाद यादव उस व्यक्ति का लालू प्रसाद यादव है। आप देखेंगे उस व्यक्ति का नाम, जिसको देख रहे आप, जितना भी कूली भाई लोग थे रेलवे में काम करने वाले, उस सभी लोगों को सरकारी करने का काम अगर किसी ने किया, उस व्यक्ति का नाम लालू प्रसाद यादव है। आप कहते हैं बताइए मुझे याद है कि लोग जूता पहनते थे उस टाइम, तो पैर में जब किसी रिश्तेदार के यहाँ जाया करते थे तो जूता हाथ में लेकर जाया करते थे, क्यों भाई? क्योंकि जो बड़े बड़े लोग जो थे, जिसको कहते हैं जो सामंतवादी सोच के लोग थे, वो सामंती लोग को अच्छा नहीं लगता था, तो वो जूता खोल कर ले जाते थे, जब रिश्तेदार के पहुंचने वाले होते थे तब जाकर वो पहनते थे। उस मानसिकता से आज़ादी दिलाई इन्होंने, इस वजह से इनको चारा चोर कहते हैं। स्मृति ईरानी को बिहार के लोगों से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और बिहार के लोगों को सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आपको चोर कहा गया है,
डीएनए पे सवाल खड़ा किया गया, तेजस्वी यादव का डीएनए पे सवाल खड़ा किया गया, इस तेजस्वी का डीएनए पे सवाल खड़ा नहीं है, ये पूरे बिहारियों के ऊपर डीएनए का सवाल है। क्योंकि 12 करोड़ जनता ने तेजस्वी को नेता माना है, अगर नेता माना उसके डीएनए पे अगर सवाल खड़ा किया जा रहा है तो बिहार के लोग इस बार उसका जवाब जरूर देगा, इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा। लेकिन स्मृति ईरानी क्या भाजपा के अधिकतर लोग अधिकतर नेता लोग कहते हैं कि लालू यादव चारा चोर है, तेजस्वी यादव चारा चोर के बेटे हैं, जंगल राज के युवराज हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि लालू जी क्यों कहा जाता चारा चोर, क्यों कहा जाता, क्योंकि ये बैकवर्ड समाज में एक यादव परिवार ने जन्म लिया है। लालू यादव अगर यादव नहीं होते, अगर लालू जी के नाम में मिश्रा लगा होता ना तो लालू जी आज भगवान होते, बता देते हैं। लालू यादव अगर मिश्रा होते तो भगवान होते, हर लोग पूजा कर रहे होते, ये आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। क्योंकि लालू जी के नाम के आगे टाइटल में यादव लग गया, इस वजह से उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कितना बदनाम करोगे आप, लालू जी तो कभी झुके नहीं ना किसी सामंतवादी सोच के आगे, तो झुके नहीं ना, बताया ना उन्होंने रैली में, कहा था ना कि जो परिवारवाद का आरोप लगाते हो तुम्हारा परिवार क्यों नहीं है। 140 करोड़ देश की जनता है मोदी जी का परिवार, सुन तो लिए स्मृति ईरानी करके है। जब तुम वाराणसी में जा रहे थे नॉमिनेशन कराने के लिए, वहाँ के डीएम साहब ने कहा कि हमने तलाक दिया अपनी बीवी को, इन्होंने कहा तलाक नहीं दिया, तो बोला कॉलम जो भरा खाली पड़ा है उस कॉलम को अब तुम भरो, जब तक भरोगे नहीं तो नॉमिनेशन नहीं होगा। डीएम साहब ने उनको बाहर कर दिया था नरेंद्र मोदी जी को 2014 के चुनाव में। ये बात को कहीं छिपाएंगे इस देश के, क्या आपको नहीं लगता महिलाओं का अपमान है, क्या हिंदू धर्म में इसे कहा गया है आप दूसरा शादी तभी कर सकते जब तलाक आपका हो जाएगा। शादी कहाँ कर रहे हैं वो, शादी भी आपने नहीं किया तो तलाक आप देंगे ना। देश की सेवा के लिए अपना परिवार छोड़े भाई, तो लालू जी देश सेवा नहीं किए, लालू जी के ऊपर बता रहे लालू जी के ऊपर डीए केस हुआ था, आय से ज्यादा संपत्ति का केस हुआ था, सुप्रीम कोर्ट उस केस को जीता उन्होंने। अगर चारा घोटाला अगर उन्होंने किया होता तो डीए केस से बरी नहीं हुए होते सुप्रीम कोर्ट से, इस बात को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो भरे सभा मंच पे बोली है कि सुनो चारा चोर हम है मोदी का परिवार। स्मृति ईरानी कौन है भाई, मैं नहीं जानता हूँ, केंद्रीय मंत्री मैं नहीं जानता उनको, हम नरेंद्र मोदी को जानते हैं, नरेंद्र मोदी को जानते हैं, नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री, इस वजह से उनको हम जानते हैं। नरेंद्र मोदी को इस बात को सुनिश्चित करना पड़ेगा और बिहार के लोगों को जवाब देना पड़ेगा। और आज बिहार वो आए हुए हैं, बिहार को क्या दिया उन्होंने बताइए मुझे, 4000 करोड़ की सौगात देने वाले, लालू जी का देन है, लालू जी का एक बयान का देन है कि पूरे मीडिया हड़बड़ा गई है। हम देख रहे थे उस दिन जब रैली चल रहा था उनका, एक भी टीवी नेशनल टीवी नहीं चला रहा था, लाइव से नहीं कर रहा था, एक भी नहीं कर रहा था। दूसरा दिन जब पूरी भाषा ने उनको सुना तब जाकर डिबेट शुरू कर दिया था, लालू जी ने ये बात कही है। ये बात उन्होंने क्यों नहीं कहा कि लालू जी को तुम जंगल राज की मसीहा कहते हो, अरे वो लालू प्रसाद यादव जिसने देश के अंदर बिहार के लोगों के अंदर स्वाभिमान जगाने का काम किया, तो उसको तुम चारा चोर का मसीहा कहते हो, जंगल राज का मसीहा कहते हो। वो लालू प्रसाद यादव जिस देश के अंदर पहली बार बिहार का मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने, तो इसे गांधी मैदान के अंदर पूरे देश के जितने गरीब दलित पिछड़े समाज के लोग थे सबको इन्विटेशन दिया था उन्होंने, और गांधी मैदान में बुलाकर उनको उनको बैठाया गया, कुर्सी दिया गया, तब इन लोगों को महसूस हुआ कि हम सब भाई हमारा बिहार के अंदर कोई हमारा लोग मुख्यमंत्री बन गया है, तब जाकर लोगों को इस बात का महसूस होना शुरू हुआ। इस देश का जिस तरीके से दलित और पिछड़ों पर हमेशा से वार किया गया, आपको पता होगा मैडम, आप देखेंगे कि एक जो महिला को आप देखेंगे पहले क्या होता था इस देश के बिहार के अंदर, कमर में झाड़ू बांधा जाता था, क्यों भाई, किस लिए, आगे चलेगा वो व्यक्ति, अगर आगे चल रहा होगा तो फिर झाड़ू कम से कम सफाई हो जाएगा। ये जो व्यवस्था थी, इस व्यवस्था को खत्म करने वाला कोई व्यक्ति है तो उसका नाम लालू प्रसाद यादव है। अगर लालू प्रसाद यादव नहीं होते शायद मुझे लगता है मैं आपके बीच अपनी बात रख पा रहा हूँ, शायद मैं भी नहीं रख पा रहा होता। लालू प्रसाद यादव जी का देन है। ये कहते कि जंगल राज का मसीहा, बताइए मुझे बिहार के अंदर लालू प्रसाद यादव पहली बार मुख्यमंत्री बने तो बिहार के अंदर 7 विश्वविद्यालय बनाने का काम किया था इन्होंने। लालू प्रसाद यादव बिहार के अंदर आप देखेंगे तो चरवाहा विद्यालय बनाकर बिहार के जो गरीब लोग थे, जो जानवर चराते थे, उनको उन्होंने कहा था भेड़ चराने वालों, बकरी चराने वालों, पढ़ना लिखना सीखो, अगर आपके पास कलम पेंसिल कॉपी नहीं है तो भैंस चराने जाते हो, भैंस पर लिखने के भी प्रयास करो आप। बिल्कुल, माफी मांगनी चाहिए स्मृति ईरानी, हम तो कह रहे हैं स्मृति ईरानी को माफी नहीं, नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए बिहार के लोगों से, लालू प्रसाद यादव से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से बिहार का स्वाभिमान जगाने का काम किया लोगों को, इस बात को आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा और नरेंद्र मोदी को माफी मांगना जरूरी है। चलिए हमारे साथ बिहार के युवा थे, इन्होंने अपनी बात रखी लालू प्रसाद यादव के बारे में और कहा कि स्मृति ईरानी को नहीं नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी चाहिए। बाकी आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।